दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों से साथ में शेयर करनी है। यहाँ पर अभी हमारी जो फैमिली मेंबर के एक पर्टिकुलर सदस्य हैं जिनका नाम एक्स है, तो उनका रिसेंटली अभी जो एफ कैट है उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो अभी यहाँ पर इनका SSB होगा आगे। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं रेगुलरली ये पूछते हैं, जैसे कि पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई स्टेट पीसीएस के लिए कर रहा हो, कोई इस तरीके से एनडीए सीडीएस के लिए, कोई एफ कैट के लिए, या फिर कोई यूपीएससी के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों का EPFO का पेपर हुआ, तो उसने उसके लिए बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये रहता है कि सर, ये करंट अफेयर जो आप पढ़ाते हो ये किसके लिए फायदा पहुंचाता है? तो यार, अगर करंट अफेयर को आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आप लोगों के एग्जाम के लिए कोई अलग से करंट अफेयर निकल के आएगा और ये तो किसी और के एग्जाम के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर मैं आप लोगों को उस लेवल पर करंट अफेयर पढ़ाता हूं क्योंकि यूपीएससी के लेवल पर पहुंच जाती है चीजें। तो इसका मतलब ये होगा कि अब नीचे के जितने भी एग्जाम है देश के अंदर, वो कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं ना, तो आप लोग को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में क्लैरिटी अगर एक बार हो गई, फिर क्वेश्चन किसी भी पूछ ले, चाहे वहां पर नाम पूछ ले, चाहे डेट पूछ ले, चाहे कॉन्सेप्ट पूछ ले, अब आप लोगों का क्लियर हो गया ना बिल्कुल एक तरीके से करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कहीं पे भी पूछ ले उसको। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया। मान लीजिए आप लोगों को बोले कि हाँ छोले बनाने आप लोगों को, ठीक है कि नहीं यार छोले तो बस एक तरीके चावल के साथ ही अच्छे लगते हैं, एक बोलता है रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, एक बोलता है यार मुझे तो वैसे ही उनको उबाल के नमक डाल के प्याज डाल के मुझे तो वैसे खाने अच्छे लगते हैं। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज करना चाहता है, ना कि ये इस तरीके से बोलो कि आप लोग नहीं तो यहीं पर ही यूज होंगे, ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी ऐसा उदाहरण आप लोग ले सकते हो इस तरीके से। तो बिल्कुल उसी तरीके से करंट अफेयर जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल किसी भी एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, तो उसको लेकर आप लोग टेंशन में नहीं रहा करें। ठीक है, कई सारे और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी यहां पर एफ कैट के अंदर में, उनके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर अभी शेयर मत करना जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको बताएंगे, तब शेयर करना। तो ये कई सारे बच्चे यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। चलो कोई नहीं यार, पर्सनल चीजें हैं आप लोगों की, जब तक आप लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसे ऐसे सही रखो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये है कि अपनी किसी भी जो जो सिलेक्शन होता है, जो भी उपलब्धि होती है, उसको छोटा मत माना करो। ठीक है, उसको हमेशा सेलिब्रेट किया करो। ठीक है, शेयर ही करते करो, चलो लिख दिया करो ब्रैकेट में शेयर मत करना सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये कि आगे से तैयारी जो है, अब नेक्स्ट जो फेज आएगा उसके लिए अच्छे से तैयारी करना, अपना डटकर, कोई भी किसी भी तरीके से टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संडे का लेक्चर रहता है, थोड़ा सा हल्का लेक्चर रहता है, थोड़ा सा मजेदार लेक्चर रहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसमें, ना तो कोई क्विज होता है ना कुछ ऐसा रहता है, बस कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग कवर करते हैं, और उसमें आप लोगों का बेसिकली एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि बीच में दिन गायब हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर संडे में जो पूरे वीक में डिस्कस किया है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट संडे से इसको देख लेते हैं, अगर आप लोगों की कोई राय हो इसके बारे में तो आप लोग बताइएगा कि पूरे वीक का रिवीजन चाहिए तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, क्योंकि सारी करूंगा तो फिर वो तो ज्यादा बैठ जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है एक ओवरव्यू उनका दे दिया करूंगा मैं, ये सही लग रहा है या फिर अलग से जो न्यूज चाहिए वो डिस्कस करनी है, आप लोग बता देना, जैसा भी आप लोग बोलोगे वैसा कर लूंगा यार, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कई सारे बच्चों के मेल आ रहे थे इसीलिए मुझे ये बात लगी कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और जिसका भी सिलेक्शन हुआ करे मैं कहीं पर भी शेयर करा करूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर या फिर कम्युनिटी टैग में, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम से कम इंसान को सपोर्ट करो। ठीक है, जैसे किसी का मेंस निकल गया तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसी का इस तरीके से यहां पर अभी रिटर्न निकला है तो आगे आगे SSB के लिए तैयारी कर रहा है, तो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो, आप भी उस पोजिशन में रहोगे, आपको भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, इसी तो होता है परिवार, अगर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता रहे तो इसी तरीके से अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट किया करो, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट मिले और कंफर्टेबल फील करे इंसान। ठीक है, अभी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस शॉर्ट न्यूज के साथ में यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये निकल कर आ रही है हमारी कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। टेलीकॉम सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है जो कि आप लोग सिम वगैरह यूज करते हैं, आप लोगों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की जो हेल्प की जाती है इंटरनेट के थ्रू, या फिर जो है फोन के थ्रू, सिम के थ्रू, जो भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो ये सारा काम, जो सारा कमाल ये जो है टेलीकॉम सेक्टर का है। इवन आप लोग ये लेक्चर सुन पा रहे हैं तो ये भी पूरा कमाल जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का ही है। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर उस तरीके से देखकर चलो। पर लेकिन सर्विस जो है वो यहां पर ऐसा होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड कराने वाले मार्केट में कहीं होने चाहिए। अगर पता चला मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कराने वाला एक ही रह गया तो फिर वो मनमानी करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इस तरीके से होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइड करने वाले कर हो और उनमें कॉम्पिटिशन रहे, तो आप लोग को प्राइस जो है वो एक सही मिल जाए। इसीलिए कॉम्पिटिटिव अगर इन्वायरमेंट रहता है तो उसमें क्वालिटी और जो प्राइस होते हैं वो आप लोग को हमेशा अच्छे मिलते हैं, एज कंपेयर टू अगर कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो पांच अभी इसके अंदर चेंज किए गए, इनके द्वारा जो नया अभी अप्रूवल दिया गया, आगे टेलीकॉम सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ढांचागत विकास करने के लिए पांच एरिया में इनके द्वारा काम किया जा रहा है। पांच क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें काम करेंगे, और ये पांच क्षेत्र जो है इनमें जो काम करेंगे इसका बेसिक फोकस यही रहने वाला है, पांच क्षेत्र को बेसिकली 5G के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, पांच क्षेत्र 5G के लिए यहां पर काम करेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला बात इनके द्वारा बोला गया है, यह एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। ठीक है,
तो ये जिसको एजीआर भी बोलते हैं, बेसिकली एजीआर होता क्या है, ऐसा होता था पहले स्टार्टिंग में, जैसे कंपनी है वो यहां पर गवर्नमेंट से एक अपना स्पेक्ट्रम खरीद लेती थी और खरीदने के बाद में कहानी खत्म, ठीक है। एक तरीके से ना कि हाँ, जैसे कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, वो आप लोगों को बोल रहा है कि आई देखो इस तरीके से समझिएगा, एक जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मान लीजिए अमेजन ज्वाइन करना है मूवीज देखने के लिए, तो आप लोग क्या करें, एक तो है कि आप लोग हर उसे महीने पैसे दें, ठीक है, और एक बोले कि यार बस एक बार वन टाइम पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। जैसे जो सॉफ्टवेयर में यहां पर जिस पर पीपीटी पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो ये ईयरली का एक तरीके सॉफ्टवेयर है, इसका ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, जिस पर पीपीटी है ना ये सारी, ये ईयरली पेमेंट इसका करना पड़ता है, ये वन टाइम का नहीं है। उससे क्या रहता है, उससे कई सारी अच्छी चीजें मिल जाती है, तो उससे इसमें फायदा रहता है, ठीक है, वरना तो महंगा तो पड़ता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, पर लेकिन ईयरली पेमेंट रहेगा तो उसमें जो भी वो अपडेट होती रहेंगी वो सारी मिलती रहेंगी। वन टाइम अगर यहां पर परचेज कर लिया, फिर कोई भी अपडेट ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट रहेगी, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर एक तो ये था कि एक बार में पेमेंट कर दिया तो वो एक अलग सिस्टम हुआ करता था। फिर आगे यहां पर एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू, यानी कि जो भी आप लोगों का जो रिवेन्यू आएगा कलेक्ट होकर, उसमें से हमारा कुछ पोर्शन आप लोग देंगे, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया, यानी कि तुम्हारे प्रॉफिट में हम भी शेयरिंग करेंगे, ऐसी बात होने लगी। तो इसके चलते यहां पर दोनों में केस हुआ, केस पहुंच गया कोर्ट के अंदर में, और कोर्ट के अंदर जो थी वो कंपनी हार गई। तो कंपनी पे अब जी यहां पर बहुत सारा, लगभग 1.6 लाख करोड़ के करीब उनको पेमेंट देना था, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया चलो यार देना है तुमको, बाद में दे लेना उसको, तो 4 साल की छूट दे दी गई इनको, इसके ऊपर रोक लगा दी गई है कि अभी नहीं देना, अभी क्या करो आप लोग अपना टेलीकॉम का जो 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा आप लोगों को बनाना है, ढांचा कई बार ना ठंग स्लिप हो जाती है यार, ढांचा, ठीक है, तो जो भी यहां पर ये बन जाता है तो उसकी वजह से आप लोग देखिए यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है अलग से एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू के बारे में भी, ठीक है, तो याद रखिएगा हल्का सा। तो 4 साल की छूट दी गई है कि आप लोग इसके बाद में दे लेना, पहले अभी अपना इसका ढांचागत विकास कर लो, ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से अगर यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में, तो यहां पर नॉर्मली 49% हुआ करता था यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब यहां पर इसको 100% कर दिया गया है, तो बाहर से और अच्छा खासा पैसा यहां पर आएगा, हो सकता है और कंपनी यहां पर आए टेलीकॉम के सेक्टर में, एयरसेल नहीं जियो और एयरटेल के अलावा कोई और अच्छी अच्छी कंपनी निकल कर आए, बाकी तो यही दो बची है मार्केट में, और तो सब एक तरीके से सबकी कमर टूट चुकी है। तो इस तरीके से यहां पर इसको सेक्टर में अभी 49 की जगह इसको 100% कर दिया है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। स्पेक्ट्रम जो है उसकी बात करें, तो स्पेक्ट्रम जो यूजर चार्ज है, ठीक है, उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए मैंने क्या किया, स्पेक्ट्रम खरीद लिया बहुत सारा, ठीक है, अब पता चला मेरे से गलती होगी यार, ये ज्यादा खरीद लिया, इतना तो मेरे मैं झेल ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है, पता चला फालतू में पैसा जा रहा है, तो मैं किसी के साथ में शेयर कर सकता हूं, किसी को बेच सकता हूं उसको, ताकि मतलब खरीद तो मैंने लिया ना, वो किसी के साथ में उसको शेयर कर सकता हूं मैं, ताकि मेरा खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए, ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। नेक्स्ट जो छोटा पॉइंट है यहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है? इसको सुनिएगा। पहले जो था यहां पर जो स्पेक्ट्रम था, ठीक है, उसका जो ऑक्शन हुआ करता था, यानी कि जो बोली लगाई जाती थी, वो पहले 20 जो डे हुआ करते, मतलब वो 20 साल हुआ करते थे बेसिकली, ठीक है, तो 20 साल से उसको इंक्रीज कर अब 30 साल कर दिया है, ठीक है, तो यानी कि और ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। अगर KYC आप लोगों ने एक बार अपडेट करवा ली और आप लोग पोस्ट पेड से प्रीपेड में जा रहे हैं, तो फिर से आप लोगों को KYC अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लेना काम खत्म हो गया, बार बार क्यों अपडेट करानी है KYC, तो ये यहां पर इसके अंदर भी यहां पर इनके द्वारा एक थोड़ी सी छूट दी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पांचों के पांचों पॉइंट, कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग वहां पर ही मेंशन कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से स्टेटमेंट देके, कौन सा इंप्लीमेंट किया गया कौन सा नहीं इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, तो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में पूरा एक टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, मैं थोड़ा सा आप लोगों से हिस्ट्री भी कवर करूंगा यहां पर, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में, तो हल्का सा नजर डालेंगे, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ ली जाते हैं। बात की जा रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको CBIC बोलते हैं, इसके द्वारा भी क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कस्टम एंड नोटिफाइड एयरपोर्ट इसको यहां पर बेसिकली डिक्लेयर किया गया है, यानी कुशीनगर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसको कस्टम नोटिफाइड एक तरीके से एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अगर इस तरीके से आप लोगों को बोला जाए कि कोई पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो है वो कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो यहां से अब हो पाएगा, पहले यहां पर अलाउ नहीं था, अब आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो पाएगा, यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि सामान यहां से लोड हो पाएगा और अनलोड भी हो पाएगा, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से। ये जो है इंटरनेशनल जो पैसेंजर आएंगे जो मूवमेंट होगा वो भी रहेगा, और ये बुद्धिज्म जो एक तरीके से पिलग्रिम्स जो एरिया है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुशीनगर ये एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग
इसके बारे में हालांकि कई सारे जानते भी होंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कुशीनगर के बारे में, कुशीनगर क्यों यहाँ पर इतना क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर ये कुशीनगर कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर में, और बुद्धिज्म के लिए काफी फेमस है क्योंकि ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम और बुद्ध दो अलग अलग इंसानों से नाम मिले इनको यहाँ पर, वो भी जानेंगे। महा एक तरीके से महापरिनिर्वाण जो आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जब इनकी डेथ हुई तो महापरिनिर्वाण जो मिला था यहाँ पर कुशीनगर में, तो ये पर्टिकुलर जगह इसीलिए फेमस है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुशीनगर में यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, और ये माना जाता है कि इनके द्वारा जो फ्लैश ऑफ द फिग यानी कि पोर्क, यानी कि एक तरीके से जो सुअर का मांस है वो खाया था, और इसकी वजह से ये माना जाए कि इनको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी गौतम बुद्ध जी की। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बता दिया कि ये पर्टिकुलर कुशीनगर एयरपोर्ट, तो आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बन जा सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेन कॉपी लेकर बैठा करो ताकि एक्स्ट्रा चीजें बताऊं तो आप लोग याद रख सको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। अगर बुद्धा की लाइफ के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताऊं तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहां पर साक्या जो बेसिकली क्षत्रिय थे उससे यहां पर ये निकलकर आते थे। ठीक है, कपिला वस्तु जो कि नियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कपिला वस्तु नेपाल के अंदर में, जहां से ये आते थे निकलकर। शुद्धोधन जो थे वो इनके पिताश्री थे। ठीक है, वो इलेक्ट भी किए गए थे। इंटरेस्टिंग क्या चीज है यहां पर याद रखिएगा, जो इनके यहां पर साक्या क्लेम थी वहां पर इलेक्टेड किंग आया करते थे, उस टाइम पर भी वहां पर डेमोक्रेसी थी, तो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पास्ट में। इनकी मदर जो थी उनका नाम था महामाया, महामाया या फिर माया देवी भी उनको बोलते थे, इनके फादर तो राजा बन गए इलेक्ट होकर, पर मदर थी महामाया, महामाया या फिर माया देवी भी उनको बोलते थे। जैसे ही इनकी बेसिकली बर्थ हुआ तो 7 दिन के बाद ही जो थी वो इनकी मदर की डेथ हो गई, तो यहां पर इसीलिए यहां पर इनको इनकी जो है बेसिकली स्टेप मदर ने पाला, यानी कि सोतेली माँ के द्वारा पाला गया इनको, और उनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो यहां पर गौतमी था उनका नाम, उसी के उन्हीं के नाम से निकलकर यहां पर इनका नाम गौतम आया, यानी कि जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, तो गौतम जो था वो गौतमी इनकी सोतेली माँ ने पाला, वहीं से निकलकर आया। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें आगे चलकर इनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद में यशोधरा इनकी वाइफ थी, यशोधरा वाइफ थी और राहुल जो थे वो इनके बेटे थे, तो यहां पर इनको छोड़कर इनको लगा कि ये घर गृहस्थी जो है वो मेरे काम की चीज नहीं है, तो ये वनवास पर निकल गए, और इनको लगा कि ये तो सब चीजें चलती रहती हैं, मुझे कुछ और करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शादी जो है वो एक तरीके से सही है कि हाँ सोसाइटी का पार्ट है कर लेते हैं, पर लेकिन रियलिटी में उनकी जिंदगी का पर्पज कुछ और ही रहता है। वो एक तरीके से जैसे महात्मा गांधी की बात कर ले, ठीक है, तो एक टाइम पर आकर उन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ को जो था बोला था छोड़ दिया था एक तरीके से, और बस पूरा फोकस उनका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पर आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम पर अगर मोदी जी के बारे में आप लोग बात कर लो, ये माना जाता है कि उनकी भी शादी हो चुकी थी बचपन में, पर लेकिन आज की डेट तक भी दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उनका अलग काम और इनका अलग काम, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बातें कुछ और बातें करें यहां पर, कई बार पूछा जाता है आप लोगों से इनके हॉर्स का नाम क्या है, इन्होंने 29 उम्र की एज में अपने जो घोड़े पर बैठकर निकले थे यहां पर, उसका नाम था कंठक। ठीक है, तो कंटक था यहाँ पर, और जो चलाने वाला था ड्राइवर उसका नाम था चन्ना। तो ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके गुरु का नाम आप लोगों से पूछ लिया जाए तो गुरु का नाम याद रखेगा यहाँ पर, गुरु का नाम था यहाँ पर आलारा खां, आलारा कलम। ठीक है, तो आलारा जो कलमा है उनका नाम था, एके के नाम से याद रख लेना। ठीक है, तो नहीं एके, ठीक है तो ऐसे याद रख लेना। बाकी इनलाइटनमेंट जो इनको मिला था 29 साल की एज में घर से निकले थे, 35 साल की एज में इनके 6 साल बाद इनको माना जाता है कि इनलाइटनमेंट मिला बोध गया में जाकर। ठीक है, तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जो रिवर का नाम था वो था यहाँ पर नीलांजना। ठीक है, तो नीलांजना रिवर के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम तो गौतमी से आ गया, और बोध गया में यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली बोध से बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा यहां से इनका नाम निकल कर आया जहां पे इनको इनलाइटनमेंट मिला, तो यहां से दोनों नाम पता चल गया कि गौतम बुद्धा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, ओरिजिनल नाम इनका सिद्धार्थ था, तो यहां से गौतम बुद्ध इनका ऐसे नाम पड़ा। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई तो पता होना चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कुशीनगर में जो थी इनकी जो बेसिकली डेथ हुई, तो वो याद रखेगा। बाकी कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों को जानने को मिले इनकी टीचिंग के बारे में, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, याद रखेगा इनकी लिटरेचर के बारे में, तो पाली लैंग्वेज में यहां पर इनकी लिटरेचर हुआ करती थी। इनके द्वारा सुत्तापति का, विनय पति का, और इसी के साथ में अभिधम्म पति का, तो यहां पर इनकी लिटरेचर हुआ करती थी। सुत्तापति का में ये मानते हैं इनके द्वारा कई सारे यहां पर एक तरीके से अपने जो है बेसिकली टीचिंग दी गई से रिलेटेड, तो सुत्तापति का बोले तो याद रखिएगा ये टीचिंग दी गई इनके द्वारा यहां पर। ठीक है, दूसरा अगर बात करें विनयपति का, तो विनयपति का में ये माना जाता है कि किस तरीके से गवर्न करते थे यहां पर जो संघा और जो मॉन्क्स थे उनके लिए यहां पर रूल और रेगुलेशन थी। अभिधम्मपति का जो था फिलोसफी थी यहां पर बुद्धिज्म की। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये कई सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों को बताइए यहां पर आगे चलकर ये कई सारे सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनायाना, महायाना और आगे चलकर वज्रयाना। ठीक है,
तो ये अलग अलग इनके जो डिवीजन देखने को मिलेंगे वो तो अलग अलग जैसे चीज चलती रहती है फिर डिवीजन ऐसे होने लगते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पता होना चाहिए बेसिकली, थोड़ा सा लगा कि हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता दूं तो कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अगर मतलब अगर बीच बीच में ऐसी चीजें चाहिए तो बता दिया करिए, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर करंट अफेयर में क्या क्या छूट ठूस दिया। ठीक है, तो यार देखो लगता है एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो वैसे भी आज मेरा थोड़ा सा मन नहीं हल्का सा रहता है, तो चलो आज कुछ हल्का सा पढ़ लेते हैं, संडे है तो इसलिए सोचा कि एक टॉपिक कवर करा दूं, थोड़ा सा एक टॉपिक का ओवरव्यू हो गया आप लोगों का। ओके आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है यहां पर बात की जा रही है ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें हो गया बेसिकली पीसफुल मिशन है इसका नाम, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है पीसफुल मिशन, अगर क्वेश्चन पूछ लो कि यहां पर ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर ये एक्सरसाइज है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो है वो कब मेंबर बना था ये आप लोग रिविजन कर लीजिए, और वो मीटिंग कहां पर हुई थी, तो ये आप लोग याद रखना, बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्यों है यहां पर, ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है यार, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान जो थे ना वो दोनों एक साथ में मेंबर बने। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग चीज हो जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग एक दूसरे के एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है, पर फिर भी यहां पर जो है वो दोनों एक साथ में जाकर मिले, तो इसलिए कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। आज के में कितने मेंबर है टोटल, आज के में 8 मेंबर देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, स्टार्टिंग में 5 पांडव थे, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी वैसे मैंने आपको, पर फिर भी हल्का हल्का सा इसके बारे में याद रखेगा। संघाई 5 इसको बोला जाता था स्टार्टिंग में, जब यहां पर 2000 के बेसिकली 1996 में क्रिएट किया गया था। ठीक है, फिर आगे चलकर इसमें मेंबर जुड़ने स्टार्ट हो गए, तो आज के डेट में टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 मेंबर देखने को मिलेंगे। इन 8 मेंबर के अंदर अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, अगर बात की जाए, अरे हाँ ईरान भी तो 20 का मेंबर बन गया ना सर, हाँ ईरान भी मेंबर बनाया शायद अभी इसके, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये अभी रिसेंट की न्यूज है। यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ईरान जो है इसका ऑब्जर्वर था यहाँ पर लगभग 2005 के अंदर में, अभी यहां पर परमानेंट मेंबर बन गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान। ठीक है, याद रखिएगा ये अभी फ्राइडे में जो मीटिंग चल रही है तजाकिस्तान के अंदर, तो तजाकिस्तान में ईरान के द्वारा संघाई कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया गया, तो अब 9 मेंबर हो गए। मैंने कहा था ना अफगानिस्तान या ईरान में से एक मेंबर जरूर बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना की वो बेसिकली यूएसए की और ईरान की बनी रही है, तो संघाई कॉरपोरेशन का पार्ट बन गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से यहां से। ठीक है, तो ये इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, अब टोटल मिलाकर 9 मेंबर हो गए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो इसकी जो मीटिंग है यहां पर जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, तो ये मीटिंग याद रखना इसके यहां पर ये जो देखने को मिल रही है 6th एडिशन है इसका पीसफुल जो मिशन है यहां पर ये, तो ये बेसिकली 13 से लेके 25 सितंबर तक यहां पर चलने वाला है, और ये रशिया के अंदर यहां पर हो रही है मीटिंग, तो ये रशिया के अंदर हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है, इसका एम यही रहता है कैसे यहां पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो एक तरीके से यहां पर ऐसे तरीके से मिलकर काम करें, कल को कोई टेररिज्म वगैरह वो सारी चीजें रहती है उसको रोक सके। बाकी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया दिया, और 9 मेंबर हो चुके हैं ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें पहले मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूं, फिर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहां पर, और ऊपर आप लोग जाएंगे थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे। ठीक है, यहां पर ये नीदरलैंड दिख रहा है, नीदरलैंड को पुराने टाइम पे होलैंड भी बोलते थे। ठीक है, तो होलैंड भी है यहां पर, एम्स्टर्डम जो होगी इसकी कैपिटल होगी, ये पर्टिकुलर लोकेशन है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो सी है नॉर्थ सी है जिसके साथ में कनेक्ट रहता है, तो नीदरलैंड के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। नीदरलैंड के यहां पर क्या किया गया है, अभी यहां पर एक प्रपोजल लाए हैं, प्रपोजल में इनके द्वारा ये बोला गया कि जो इनके यहां पर जो जीव जंतु है गायें भेड़ बकरी जो भी रहते हैं यहां पर ये जीव जंतु, तो लगभग 30% जो है उनको ये कम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से इनको खत्म किया जाएगा जो 30% के करीब है यहां पर, ताकि यहां पर जो एमिशन वगैरह है जो यहां पर एक तरीके से लैंड के ऊपर जो भी एक्टिविटी इनकी होती है उसको बेसिकली कम किया जा सके। ठीक है, आज की डेट में अगर बात करें यहां पर ये माना जाता है इनके द्वारा कि लगभग यहां पर 2007-08 के टाइम पर एक पर्टिकुलर वायरस आया। ठीक है, जिसको क्यू फीवर बोला गया, क्यू फीवर एपिडेमिक आया यहां पर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहां पर जान भी गई इसकी वजह से, तो इसके चलते ये माना गया था वो जानवरों की वजह से ही आया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि कंट्री के अंदर ज्यादा जानवरों की भी संख्या नहीं होनी चाहिए, पता चला इंसानों को दिक्कतें होने लगी। ठीक है, तो यहां पर इसके चलते मतलब इंसान कितने भी हो जाए दुनिया में, जानवरों की कमी, जानवरों को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, देखो ये कैसे इंसान हो गए, इसीलिए यहां पर इनका जो प्रपोजल है ये बहुत ज्यादा रेडिकल तरीके से देखा जा रहा है कि ऐसे कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि देश के 30% जानवरों को खत्म करने की बात आ गई। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ह्यूमन हेल्थ जो है और इन्वायरमेंट की हेल्थ जो है बोला जा रहा है इसको खराब कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ये स्टेप उठाया जा रहा है। नीदरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, अगर आप लोग बात करें यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल कितने मेंबर है आज के में, 27 मेंबर है, पहले 28 मेंबर हुआ करते थे पर लेकिन एक गायब हो गया जिसका नाम था यूके, तो अभी फिलहाल यहां पर 27 मेंबर रह गए हैं। तो ये जो 27 मेंबर है इसमें सबसे टॉप पर है नीदरलैंड, जो कि यहां पर बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर है, यानी कि इतना ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करता है क्योंकि जानवरों को दबाकर काट रहे हैं मार रहे हैं यहां पर ये। तो लार्जेस्ट लाइव स्टॉक इंडस्ट्री यूरोप के अंदर अगर है तो ये आप लोग याद रखेगा, 100 मिलियन कैटल के करीब, और चिकन और पिग आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे।
तो ये सारी बातें जो इनके द्वारा ये राम गाथा मैंने आप लोगों को सुनाई, ये सारी बातें यहां पर किसके बारे में की जा रही है, ये सारी बातें की जा रही है बेसिकली नीदरलैंड के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात बता दूं आखिर यहां पर जो ये मुद्दा यूज करेंगे ना यहाँ पर इनके द्वारा कि यहां पर बेसिकली 30% करेंगे क्योंकि एमिशन काफी ज्यादा हो रहा है। ये एमिशन वर्ड क्यों यूज किया गया इनके द्वारा, क्योंकि जो लाइव स्टॉक है ये जो भी खाते हैं खाने के बाद में जो भी गोबर किया जाता है उसमें से CH4 यानी कि मेथेन सबसे ज्यादा निकलती है, और मेथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में जो है वो सबसे ज्यादा बेसिकली इंपैक्ट डालते हैं यहां पर जब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इनके जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है उससे काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जो बेसिकली आप लोग देखते हैं कि यहां पर ये निकल के आती है, ठीक है। इसी के साथ में NH3 निकलती है, अमोनिया काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है, नाइट्रोजन निकलती है, तो इसके चलते यहां पर उस तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है आगे चलकर और भी कई सारी चीज यहां पर देखने को मिलती है, तो इनके द्वारा बोला गया कि एनवायरमेंट को भी यहां पर ये नुकसान पहुंचाने लगता है, क्योंकि इसकी जब एक्सेसिव चीजें हो जाती है तो सेंसिटिव हो जाता है जहां पर भी हैबिटेट होता है, ठीक है, जो रहने वाली जगह होती है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, पता नहीं अब क्या चीजें हैं, जो भी है इंसान जो है वो अलग ही लेवल पे पहुंच रहे हैं आज की डेट में, अपने लिए अपने अपने मतलब अपने चीजें सही रहनी चाहिए, बाकी सबको निपटा दो। ये है बेसिकली इंसान का नया एक चेहरा जिसमें इंसान इस तरीके की इंसानियत दिखाता है। ये बात करते हैं, देखो कितना प्यारा एक तरीके से पिक्चर लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी सारे को डिजाइनिंग कर रखी है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। अब एग्रीकल्चर भी इंटरनेट के ऊपर की जाए करेगी ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा 5 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर भी साइन किए गए प्राइवेट कंपनी के साथ में, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस दिया जाएगा। एक तरीके पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर, जिसके तहत यहां पर एक तरीके से यहां पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करेंगे नेशनल फार्मर जो डेटाबेस है यानी कि डेटाबेस इकट्ठा करेंगे 5.5 करोड़ फार्मर का, किसानों का यहां पर। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको ICT आप लोग बोलते हैं, इसके ऊपर टॉपिक भी आप लोगों का सब्जेक्ट है UPSC के अंदर, और डेटा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कितने सारे किसान दिक्कत में है, उनके लिए कितनी की फार्मर की इनकम डबल करनी है। इसी के साथ में सपोर्ट करना है यहां पर डेवलपमेंट, और इसी के साथ में जो बात की जा रही है डिलीवरी करनी है बेसिकली टाइमली, जो भी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए रहेगा, कहाँ प्रॉफिट और क्या सस्टेनेबल है वो सारी चीज़ ध्यान रखी जाएंगी। डिलीवर किया जाएगा सेफ जो न्यूट्रिशन अफोर्डेबल फूड यहाँ पर सबके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पर काम करना है। देखिए किसान क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है, खेतों में सामान तो उगा लेता है पर लेकिन जब खेतों से मार्केट में वो सामान पहुंचता है तो उसका जितना परसेंट मिलना चाहिए किसान को उतना नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से तो कम से कम 80% मिनिमम 80 से 90% किसानों को मिलना चाहिए, बाकी का जो बच गया 20%, ठीक है, उसमें बिचौलिया और या फिर जो बेच रहा है उसको उसका होना चाहिए, पर लेकिन होता क्या उल्टा होता है, किसान को मिल रहा होता है 20 से 30% और बाकी के बिचौलिया खा रहे होते हैं दबाकर, जबकि मेहनत सारी किसान के द्वारा की जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर निकल के आती है, जिसके चलते अभी यहां पर रिसेंटली बिचौलिया को खत्म करने की भी बात की गई एग्रीकल्चर से, पर लेकिन वही है कि सारी चीजें जो है वो इतनी आसान भी नहीं होती है, तो आराम आराम से प्रोसीजर चलेगा, देखते हैं कैसे चीजें निपटती हैं। अब फायदा क्या होगा, इंक्रीज करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसी के साथ में प्रिवेंट कर पाएंगे सोयल डिग्रेडेशन को, रिड्यूस कर पाएंगे यहाँ पर केमिकल जो भी है एप्लीकेशन जो यूज किया जा रहा है क्रॉप के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं आप लोग जो भी खा रहे हो आज के डेट उसके अंदर कोई ना कोई आप लोग केमिकल देखने को मिलेगा, इसलिए जरा जरा से बच्चों की आंखों पर चश्मा लग जाते हैं, एलर्जी वगैरह काफी लार्ज स्केल पर लोगों को देखने को मिलती है। जरा सी देर में अभी आज की डेट में जो स्किन की दुनिया भर की बीमारी नजर आ जाएंगी, आज के डेट में बाल जो है लोगों के जरा सी एज में ही सफेद होने लगते हैं, ठीक है, उसी के साथ में बाल जो है काफी खत्म भी लोगों के होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पर, जो खाना पीना है उसके रीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इफिशियंट यूज ऑफ वाटर की बात की जा रही है, और अच्छे से प्रोडक्टिवली पानी का भी यूटिलाइज किया जाएगा, इसी के साथ में मॉडर्न जो भी प्रैक्टिस है क्वालिटी क्वांटिटी और एक तरीके से यहां पर रिड्यूस करेंगे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, यानी कि पैदा करने की जो क्षमता है उसको बेसिकली जो कॉस्ट लग रही है उसको कम करेंगे तो और फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है फार्मर का वो भी आप लोगों को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर किसानों से चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो किसानों को फायदा होगा। तो अगर बोले ना कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करनी है तो उसमें आप लोग सोच सकते हैं कि 2022 तक जो डबल करेंगे इनकम तो यहां पर किसानों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। चैलेंज क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से यहां पर अगर बात करें जो भी डिजिटल मेथड यूज करने हैं उसमें जो कॉस्ट लगेगी जो मशीनरी आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। स्मॉल लैंड होल्डिंग है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज के डेट में एक पर्टिकुलर एक इंसान है ए, उसके दो बच्चे बी और सी या फिर डी, तीन बच्चे लगा लो, ठीक है, बी सी और डी, इस इंसान के हिस्से में 30 बीघे जमीन आती है। अब पता चला तीन बच्चे हो गए उनके बीच हिस्से में 10-10 बीघे जमीन आ गई, इनके फिर दो दो बच्चे हो गए तो 5-5 बीघे जमीन आ गई, तो कंडीशन खराब ऐसी हो चुकी है आज के डेट में कि छोटे छोटे हमारी कंट्री में बेसिकली प्लॉट हो चुके हैं आज के डेट में लोगों के पास में, एक प्रॉपर जमीन नहीं रही है जिसको बोल सके अच्छी खासी खेती मिलकर की जा सके। तो मैक्सिमम जो किसान है वो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1.5 हेक्टेयर से नीचे लोगों के पास में जमीन आप लोगों को नजर आएगी, तो इसलिए दिक्कत है। इसी के साथ में रेंटिंग और शेयरिंग जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जमीन किसी की है वो कोई और रहा है, दिक्कत इस तरीके देखने को मिलती है।
रही सही कसर पूरा कर देती है लिटरेसी, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जो ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से गांव वाले एरिया में अगर कोई डिजिटली कुछ काम करना चाहते हैं कंप्यूटर को लेकर, तो यहां पर ये काफी बड़ा चैलेंज है। पहले तो समझाना पड़ेगा इंसान को कि ये सारे ऐप वगैरह कैसे यूज करने हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या चीजें, वरना इंसान अपने आप कैसे समझेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन अगर बन जाए इसके बारे में एक पर्टिकुलर पूरा डिटेल में टॉपिक आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है यह लिथियम के बारे में, और यहां से आप लोगों को जनरल साइंस के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल के लेवल पर तो बात की जा रही है पर जनरल साइंस का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बेसिकली लिथियम के बारे में पूछ लें आप लोगों से कि यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो है 6.9 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बात करें अर्जेंटीना वाले रीजन की, और यहां पर ये हो गया चिली और ये हो गया बोलिविया। मैप में दिखा देता हूं आप लोगों को जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री देखिए पहले कहां पर है, ये यहां पर होगी, और इसके साथ में आप लोग कंपेयर कीजिए। अब हम लोग जाएंगे साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली चिली, ये हो गया अर्जेंटीना, और यहां पर एक सेकंड, ये हो गया ऊपर बोलिविया, ये हो गया पेरुवे। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो किसके बारे में बात की जा रही है, ये चिली बोलिविया और अर्जेंटीना के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या बोला गया है। वेरियस जो प्रोविजन है यहाँ पर, बेसिकली वेरियस जो प्रोविंस है, प्रोविंस क्या होती है, स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट है ना, ऐसे वहां पर प्रोविंस बोलते हैं। अर्जेंटीना के अंदर बोला गया कि यहाँ पर आज की डेट में एक तरीके से लॉजिस्टिक डेवलप करने की बात की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर, वहां पर जो बेसिकली वहां पर एक तरीके से माइनिंग की गई, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर लिथियम मेटल वहां से निकल कर आया। और फायदा क्या है, लिथियम आयन बैटरी का नाम आप लोगों ने सुना है, तो लिथियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चाइना काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी काफी अच्छा लिथियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ऐसा नहीं है, चाइना अपने बाप का भी सगा नहीं है, ठीक है। तो वो वहां पर जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो हमेशा अपने फायदे अपने लालच में आप लोगों को नजर आएगा। बात करें यहां पर राइजिंग ग्लोबल लिथियम डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो इसलिए यहां पर 3 कंट्री का नाम याद रखिएगा, बोलिविया हो गया यहां पर, ये हो गया चिली और ये हो गया अर्जेंटीना, इनको लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, अर्जेंटीना बोलिविया और चिली, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है लिथियम ट्रायंगल में कौन आता है, तो याद रखना बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, तो इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। और लिथियम को ही आप लोग यहां पर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी यहां पर जानते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस रिचार्जेबल जो बैटरी है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी आप लोगों को पता है डीजल और पेट्रोल को साइड में रखकर सबका फोकस यह है कि बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाए, तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आने वाले टाइम में लिथियम की मांग, लिथियम की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। तो लिथियम जहां पर भी है वो समझो आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसे एंजॉय करेगा जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाली कंट्री, ये जो यहां पर ईरान हो गए, सऊदी अरेबिया हो गए, इनके द्वारा एंजॉय किया गया था, ठीक है। तो वही चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। लिथियम जो है, लिथियम बोला गया, लिथियम इज अ केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li है। ये एक सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंडर द स्टैंडर्ड अगर बात करें कंडीशन, यहां पर ये जो एक तरीके से लाइट मेटल है यहां पर, और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट का नाम भी इसको दिया गया है, हल्का सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड है पर लेकिन हल्का है, ठीक है। वो अक्षय कुमार की मूवी नहीं, वो कौन सी आई थी जिसमें वो बेसिकली आधा हिजड़ा बढ़ता है आधी मूवी में, और वो फिर इंसान होता है तेरा है जैसा है तेरा है कुछ करके बोलता नहीं है, मेरा है तेरा है, पता नहीं क्या क्या, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो ये बात ले कि काफी हल्का है, लाइटेस्ट है। चले जो भी है, यूज क्या है लिथियम के, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, यहाँ पर लिथियम मेटल जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पर बेसिकली अलॉय के तौर पर, व्हाइट मेटल इसको बोला जाता है, और काफी लार्ज स्केल पर इसका यूज देखने को मिलता है एयरक्राफ्ट के अंदर भी। मैग्नीशियम जो है यहाँ पर उसके साथ में बेसिकली प्लेट वगैरह बनाई जाती है। बाकी यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लैपटॉप वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। अगर कंट्री सबसे ज्यादा पूछे कहाँ पर है यहाँ पर, तो चिली है सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना अगर इनको आप लोग देखना चाहते हैं तो कहां पर है, तो चिली तो यहां पर हो गया, सबसे ज्यादा लिथियम चिली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लिथियम ट्रायंगल है यहां पर, ये बोलिविया और चिली और पेरुवे, ठीक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और कहां पर है यहां पर, ये हो गया चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो पहले नंबर पर क्या हो गया, पहले नंबर पर तो चिली हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, इनके पड़ोसी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा यहां पर बेसिकली ये इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बीच में आ गया। तो 3 कंट्री है यहां पर लिथियम। अगर बात करें इंडिया के अंदर में, तो एटॉमिक जो मिनरल डायरेक्टरेट है उसके द्वारा अभी बोला गया एस्टिमेशन लगाया गया 14,100 टन के करीब अभी स्मॉल पैच मिला है हमारी कंट्री में, बेसिकली साउथ कर्नाटका और जो एक तरीके से मांडिया जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऑल्सो हमारी कंट्री में फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट साइट फाउंड की गई यहां पर। मेजर माइका बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी,
राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर। इसी के साथ में यहाँ पर पैगा, जो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली पैगामेटेट के बारे में, ठीक है। तो जो इग्निशियस जो रोग होती है, ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें यहाँ पर पैगमेटाइट, ठीक है, तो इसको बोले यहाँ पर, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। बैरिंग सांबर जो यहाँ पर जो पचपड़ार, जो यहाँ पर बेसिकली पचपाड़रा, ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर रण और कच्छ के अंदर आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलती है। यानी कि जिनको आप लोग बोलते हैं कई बार की रेगिस्तान है यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें वहां पर भी कई सारे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, और आने वाले टाइम में इनका और ज्यादा यूज यहाँ पर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये था यहाँ पर एक डिस्कशन, अन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन आज के लिए। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो फिर से ऑल द बेस्ट डियर, अच्छे से अपना अटेम्प्ट करके आना। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा बेसिकली कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उसको कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बना दिया गया, और बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पीसफुल, इसके बारे में जाना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बेसिकली है, और नाइन्थ मेंबर ईरान बन गया, ये भी याद रखना। बाकी यहाँ पर हम लोग नीदरलैंड के बारे में जाना, क्या क्या हरकतें नीदरलैंड में चल रही है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज देखी यहाँ पर, ये देखिए हम लोगों ने डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। नेक्स्ट यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी और ये लिथियम का जो रिजर्व है उसके बारे में समझा, तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, तो फीडबैक दिए बिना मत जाइएगा। अगर अच्छा लगा है, जैसा भी लगा है, बुरा लगा है तो फिर भी डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा, 10 में से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बाकी यहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।